आज यहाँ पे पैकिंग का ये जो कार्यक्रम है फिर से शुरू हो चुका है एंड थोड़े और लोगों की हेल्प करने की हमारी कोशिश, भगवान करे हमको इतनी शक्ति मिलती रहे कि हम कुछ लोगों को अपनी तरफ से जितना हो पाए उतना तो हेल्प कर ही पाए। एंड आज यहाँ पे इन्होंने ऐसे लाइन से लगा दिया है तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो जो भी आए थे, मैं पहले किचन में थी, पहले मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, पहले थोड़े दो तीन लड़के आए थे, फिर मैंने उन लोग को भी टिफ़िन बना के दिया एंड बाद में और ज़्यादा लोग आ गए थे तो मैंने सोचा शायद तीन लड़के ही आएंगे करके उनको मैंने टिफ़िन दिया। बाद में तो थोड़े से और आ गए थे तो जो मूंग दाल के डोसे होते हैं उसकी दाल भी ख़त्म हो गई थी, फिर उन लोग को चाय सब बना के दिया था। ऐसा कुछ हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हुई, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे तो अगर अंधेरा होने से पहले ख़त्म हो जाए तो बेटर है करके थोड़ा जल्दी ही शुरू कर दिया था। एंड मैंने आपको जैसे टाइम भी दिखाया और खाना भी बन चुका है, कैरेट फ्राई एंड जो गोल वाला कैप कुकुम्बर होता है ना उसकी दाल। एंड अभी मैं बेड वो सब ठीक कर रही हूँ, पहले मैंने सोचा बेडशीट चेंज कर देती हूँ, सो थोड़ा और काम था, मैं बोला चलो करते हैं कल कर लेंगे करके फिर मैंने आज ड्रॉप कर दिया। सो अभी बेडशीट चेंज कर रही हूँ, बेडशीट लगा रही हूँ एंड बाकी सारे चादरें भी फोल्ड कर रही हूँ। तो मैं हमेशा जब भी इस रूम का मेकओवर करती हूँ, जब वापस जब आते हैं फिर इसी स्टाइल में आ जाता है, फिर मुझे लगता है यार चेंज करूँगी नहीं, इतना मेहनत करके उठा उठा के चारपाई को खिसकाओ एंड वो जो बेंच है वो सब खिसकाओ एंड फिर चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो मैं अरेंज करती हूँ ना थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, बट शायद सासू माँ लोगों को ऐसे ही पसंद है तो ऐसे ही रख देते हैं। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि आप किचन का मेकओवर करो, मैंने कितनी बार बोला है लेकिन हमेशा मेरी सासू माँ टाल देती। इससे पहले भी मैंने एक बार मेकओवर किया था, मैंने डिफरेंट तरीके से बर्तन वर्तन सब अरेंज किए थे, बहुत अच्छा दिख रहा था एंड एक दिन भी नहीं हुआ, मतलब मैं ऐसे सही करके आई एंड उसके बाद सासू माँ ने फिर अपने स्टाइल में रख लिया। देन आई वाज लाइक यार इतनी मेहनत से करा है एंड फिर चेंज हो गया, तो फिर मैंने दोबारा क्या बोलते हैं किचन में क्या बोलते हैं कोई भी चेंजेस करने का ज़्यादा मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। वो दीवार पे जो न्यूज़पेपर लगाया है मैं बोलती हूँ वो हटा दो, बिना न्यूज़पेपर के अगर दीवार काली होती है हो जाएगी, चूना लगा सकते हैं लेकिन न्यूज़पेपर से इतना अच्छा नहीं दिखता है। बट अभी एज हो गई इन लोगों की तो हम कुछ बताते भी हैं ना तो उन लोगों को कुछ और ही फीलिंग आ जाती है। देने मैंने बोला चलो रहने देते हैं, उनको उसी में खुशी है तो रहे खुश उस चीज़ में। सो अभी यहाँ पे मैं प्याज भी काट रही हूँ, एक्चुअली शाम के लिए करी बनानी थी तो मैंने सोचा अभी इसे काट देते हैं क्योंकि बाद में काटने में बड़ा टाइम लग जा रहा है, शाम को बहुत मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि रेस्ट हो रहा है, खाना बना रहे हैं फिर यहाँ पे 4 बजे फिर शुरू हो जाता है, तो मैंने बोला चलो एक काट के रख लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। एंड नाउ अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और खाना खाने के बाद मैंने एक्चुअली खाना खाने में लेट हो गया था, आज 2:30 बज गए थे, सो सीधा मैं नहा धो के आई एंड कंगी वंगी कुछ नहीं की, सीधा क्या बोलते खाना वाना खा लिया। अभी थोड़ा जस्ट एडिटिंग कर रही थी एंड उसके बाद उठी हूँ, अभी चोटी वोटी बना रही हूँ आज, थोड़ा मैंने बोला थोड़ी सी हेयर स्टाइल बनाते, बहुत मतलब डिफरेंट नहीं है रेगुलर ही है बट बना रही हूँ देख लो आप भी। बड़ा हो गया है कि निकले जा रहा था। एंड आज जो सुबह मैंने आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया ना, तो जब हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया था साइड में एक छोटा सा गांव और है, सो वो भी चाह रहे थे कि अगर उनको अवेलेबिलिटी नहीं हो रही थी तो जब हमको पता लगा तो फिर हमने कल रात को जो है फिर से मतलब कल शाम को जो है और भी थोड़े प्याज और आलू और तेल के पैकेट्स मंगाए थे, मतलब करीबन 150 लोगों तक के लिए। सो वो हमने आज इन्होंने जाके दूसरों की हेल्प लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
सो अगर कोई पूछता है आगे से तो भी हेल्प करने में क्या हर्ज है, बिकॉज उनके एरिया में शायद वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, तो व्हेन वी गॉट टू नो तो वो हमने थोड़ा सा कर लिया। एंड ये देखो बीच में कट दिख रहा है आपको, ये ठीक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। सुबह सुबह तो जैसे सो के उठते ब्रश करते टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो ये छोटी सी जो ये छोटी सी बिंदी दिख रही है ना आपको, ये डब्बा मेरे हैंडबैग में था, सो वो लगा रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैं काजल से लगा रही थी, इससे कौन सा है ये मेरे पास शुगर का। सो क्या हो रहा था, जब पसीने आ रहे थे पोंच रही थी तो चले जा रहा था। एंड अभी बज रहे हैं 4, एंड 4 बजे अपन लोग सीरीज में क्या करते रहते हैं, घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग, या तो कुछ टीवी, या तो मेनली रेस्ट वाले स्टेट में रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ऑलरेडी खाना बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। 4 बजे तक चाय पी ली जाती है, एंड उसके बाद बाकी सारे जो भी डिनर के हैं वो काम शुरू कर दिए जाते हैं। सो काजल लगा लिया मैंने। सो लोग बोल रहे अपना ड्रेसअप चेंज करो, पहली बात गांव में यहाँ पे सब लोग का जो है नाइटी का ही है, अपने घर में तो मैं जैसे ट्रैक पैंट्स एंड वो सब पहनती हूँ, या लंबे वाले गाउन्स या वो सारे पहन लेती हूँ, एंड यहाँ पे तो ओनली नाइटी है, अदरवाइज इतनी गर्मी में मेरी सासू माँ खुद बोलती है कि साड़ी वाड़ी मत पहनो, बेटर नाइटी ही पहनो। अभी नहीं, शादी जैसी हुई थी तो नहीं जब शादी हुई थी तो मुझे मम्मी बताते हैं ना कि शादी होती है भैया जैसे सुबह रेडी हो जाना और साड़ी वाड़ी पहन लेना करके, तो मैं ऐसी शादी होने के बाद सुबह रेडी होके पूरा सज धज के साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो जाती थी। फिर मेरी सास मैंने बोला साड़ी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाइटी पहनो करके, मैं बढ़िया है भैया। तो फिर तब से यहाँ पे वही चलता है, तो जब कैरी करते हैं तो या तो कुर्ते वुरते होते हैं, अगर कोई फेस्टिवल होता है तो एक साड़ी मैं कैरी करती हूँ, लेकिन कोई फेस्टिवल है नहीं इसलिए मैंने तो कुछ कपड़े ही कैरी नहीं किए थे, पहली बार तो 2 दिन का ट्रिप था। एंड अभी जो नाइटी खरीद के लेके आए पहले दिन अच्छी दिख रही थी, उसके बाद ऐसे फट रही है ना हर जगह से, क्योंकि जो नॉर्मल नाइटीज़ होती है उसमें क्या होता है सिलाई इतनी कसके नहीं लगाई होती, एकदम नॉर्मल सी कढ़ाई, जैसे अगर आपको कच्ची सिलाई बोलते हैं ना वैसी टाइप की रहती है, थोड़ा आप हाथ ऐसे करो चर हो जाएगी, थोड़ा ऐसे करो तो चर हो जाती है, तो सारी फटे जा रही है। एंड मशीन भी नहीं है सिलने के लिए, सुविधा से कितना सिलोगे, क्योंकि पूरी की पूरी नाइटी जो है कच्चा टाइप कच्ची सिलाई जैसी है। सो काम चलाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा, रोज़ थोड़ा थोड़ा सिलते रहेंगे, है ना। एंड ये वाले जो लिपस्टिक है ना, इसका पूरा मेरे पास पाउच है, ये लॉरियल पेरिस के रूस सिग्नेचर वाले जितने भी शेड्स हैं ना वो सारे शेड्स मेरे पास है, तो लॉरियल वाले ने मुझे भेजे थे रिव्यू के लिए, एंड मैं रिव्यू करने वाली थी, सोच रही थी क्योंकि स्वैचेस करके दिखाने थे, इतने में लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, सो अभी इनका रिव्यू करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास एवरीडे पर्पस मैं ये लगा रही हूँ, क्योंकि लिप शेड से एकदम मैच करता है, ये न्यूड कलर में है, तो जब लॉकडाउन उठेगा तब मैं करूँगी उसका रिव्यू, अदरवाइज दिस कलर इज़ सो गुड, नेचुरल है, लिपस्टिक लगाया हुआ लगता ही नहीं है, अरे थोड़ा लगता होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ज़्यादा नहीं। एंड मैं यहाँ बड़बड़ कर रही हूँ, मेरे पति जी पीछे सो रहे हैं। सो कुछ लोग जो बोल रहे थे ना अपना ड्रेसिंग चेंज करो, तो यहाँ पे नहीं हो सकता चेंज, कोई स्कोप ही नहीं है, इसलिए कुर्ते में ज़्यादा लाई नहीं हूँ, नाइटी है, एंड इतने गंदे वाले क्लाइमेट में जहाँ पसीना ऐसे तर तर करके आता है, इससे बेस्ट और कुछ हो भी नहीं सकता है। बाल मेरे झड़ रहे हैं, और मैं सीरम भी लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा बात कर रही है आज मैंने, है ना, तो बाल मेरे झड़ रहे हैं, सीरम मैं लेके नहीं आई हूँ, सो बहुत लॉस हो रही है। चलो अच्छे दिख रहे हैं अभी अपन, प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं, मैं इयर रिंग्स वेयरिंग्स कुछ भी नहीं, ओनली एक लूप वाले जो हैं वो लेके आई हूँ, वो क्या पहनेंगे डेली बेसिस पे।
राधा जी की पूरी मसाज कर रहे हैं, दबाए जा रहे हैं पूरी तरह मुंह भी दबाए जा रहे हैं क्योंकि वैसे घूम के वैसे ही थके हुए ना, तो उनको रिलैक्सेशन भी हो रहा है। सो ये ऐसे ही करते रहते बच्चे। तो किचन में जाके आने के बाद हालत ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। जो थोड़ी देर पहले मैं रेडी हुई थी सब कुछ चेंज हो गया। उसके बाद बच्चे जो भी मटर गस्ती कर रहे थे वो मैंने थोड़ा सा शूट किया, कार के ऊपर बैठे हुए थे एंड जब मैं फ़ोटो उनकी खींच ही रही थी तभी स्विच ऑफ हो गया मेरा फ़ोन, तो मैंने अंदर आके चार्जिंग में लगा दिया। एंड पहले जब मैंने चोटी बनाई थी तो एक क्लिप रुक ही नहीं रहा था बिकॉज बहुत पतली सी चोटी बनती है, सो मैंने इसको फोल्ड करके ऐसे लगा दिया कि अब गिरे ना। सो किचन हर हर की हालत को चेंज कर देता है ना। अभी घर में हैं सब लोग तो टाइम ही टाइम है, तो ये वाला वीडियो देखो, उसके बाद पुराने जो स्टार्टिंग से 3 साल से जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो सारे भी आप देख लो जाके। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, बहुत कुछ आप सीख पाएंगे उससे ज़रूर, मेरा ऐसा मानना है। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि वो हर बात में हर सेंटेंस में भी नेगेटिविटी ढूंढ सकते हैं। एंड जब मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि जिसमें दिया जलाने वाला हम लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया था, तो किसी ने मुझे बोला कि इतना एजुकेटेड होने के बाद आप ऐसी बातें कर रहे हो कि दिया जलाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो मतलब उनका क्या मानना है कि जो इलिटरेट लोग हैं वही दिया जला रहे हैं और जो एजुकेटेड होके जो दिया जला रहे हैं वो बेवकूफ़ है उनकी नज़र में, एंड उससे कोरोना वरोना कुछ ठीक नहीं होगा करके। सो ये कोई इलाज नहीं था कि कोरोना ठीक हो जाए, लेकिन हम सब एकजुट हैं, हम सब एक है वो स्पिरिट जगाने के लिए, क्योंकि सब लोग लॉकडाउन में है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी डीमोटिवेशन आ जाती है। ऑफ कोर्स आ रही है, मुझे भी आ रही है, कभी कभी आपको भी आ ही रही होगी बिकॉज कंटिन्यूसली 24/7 घर में बैठना इट्स डिफ़िकल्ट। कम से कम आप नीचे वॉक के लिए भी जाते हो, कभी शॉपिंग के लिए, देयर आर मेनी एक्टिविटीज़। सो इतना टफ टाइम में अगर पूरा जो हमारा देश एक काम कर रहा है तो उसको सराहने के बजाय हर सेंटेंस में लाइक नेगेटिव पीपल ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि भैया हम तो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम लोग आज इनको ज्ञान देते हैं, ये लोग तो बेवकूफ़ है जो वीडियो बना रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हम वीडियो बना रहे हैं उनका तो छोड़ो, जो उनके बाजू में भी होंगे उनसे बात करते होंगे, उनसे भी लोग झगड़े ही करते होंगे, नहीं ये पॉइंट गलत है ये पॉइंट सही है। सो आई रियली वंडर अबाउट दोज पीपल कि क्या होगा उनका फ्यूचर में। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं सोचती हूँ अपने वीडियो में इंक्लूड करने के लिए। एक्चुअली ये मुझे याद नहीं था लेकिन बातों बातों में याद आ गया तो मैंने शेयर कर लिया। एंड क्या बोलते हैं ना, अगर तालाब में एक मछली ख़राब हो जाती है या इन्फेक्टेड है तो वो बाकी लोगों को भी खराब, बाकी मछलियों को भी ख़राब कर देती है। इसलिए नेगेटिव लोगों से जितना दूर रहो, जितना उनसे डिस्टेंस बना के रखो, जितना इग्नोर करो उतना आपकी ज़िंदगी जो है खुशहाल रहेगी। सो आपसे जो भी नफरत करता है या आपको जो भी इरिटेट करता है उससे दूर ही रहो, लेट इट बी वर्चुअल और प्रैक्टिकल, राइट। सो ऑन दैट नोट, दैट वॉज द नोट ऑफ द डे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अंगूठा चिपका दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी भी जाके। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।